अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देहाती मुंडा। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए ख़ास है जो चाहते हैं कि उनका जो चैनल है वो सर्च में आ जाए। काफ़ी दोस्तों को ये कंप्लेन होती है कि जब वो अपने चैनल का नाम सर्च करते हैं तो उनका जो चैनल होता है वो सर्च में नहीं आता। दोस्तों, कुछ चंद वजूहात हैं जो मैं अभी आपको बताऊँगा, तो आपने मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। मेरी गारंटी है कि इंशाल्लाह जो आपका चैनल है वो इस तरह सर्च में आ जाएगा। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि जब भी आप अपने चैनल का नाम रखें तो वो आपने वो वाला नाम रखना है जो किसी और के चैनल का नाम हो। तो इसके लिए आपको कैसे पता चलेगा, तो आपने जो भी चैनल का नाम देना है, जैसे कि हम यहाँ पे रखते हैं कोई भी अली रजा कुकिंग, देखिए यहाँ पे आपने ये सर्च करना है। अभी यहाँ पे अगर इस नाम से कोई चैनल आ रहा है तो आपने ये नाम बिल्कुल नहीं रखना। अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे अली रजा कुकिंग के नाम से चैनल कोई नाम नहीं आ रहा, कोई चैनल नहीं आ रहा। तो आपने इस तरह चेक करना है, यहाँ पे आपने यूट्यूब पे आके यहाँ पे आपने चेक करना है जो भी आपने चैनल का नाम देना है। फिर आपको जब कन्फर्म हो जाए कि ये वाला चैनल का जो नाम है ये किसी का भी नहीं है तो वो आपने नाम रख लेना है। तो पहली टिप्स ये होगी, और दूसरी टिप्स हम आपको बताएंगे वाइट स्टूडियो पे जाके। यहाँ पे आपने अपने चैनल को ओपन करना है मोबाइल पे, वाइट स्टूडियो लिखेंगे तो आपका जो चैनल है सेम लाइक जिस तरह आप कंप्यूटर पे ओपन करते हैं बिल्कुल उसी तरह आपका जो चैनल है वो ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपने डेस्कटॉप पे क्लिक करना है ताकि आपका चैनल कंप्यूटर की तरह ओपन हो जाए मोबाइल पे। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी लेकिन वो इतनी डिटेल में नहीं थी, इसलिए मैंने अभी दूसरी वीडियो बनाई है। तो यहाँ आपने दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपने यहाँ पे जो अपने चैनल है उसके कीवर्ड लगाने हैं। वो कीवर्ड आपने कहाँ से लगाने, बिल्कुल आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये जो सेटिंग का बटन नज़र आएगा आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपने चैनल पर क्लिक करना है। चैनल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डिफरेंट टाइप्स के जो है ना कीवर्ड्स आ जाएंगे। आपने अपने चैनल के मुख्तलिफ कीवर्ड लगाने, जिस तरह भी मेरा चैनल है देहाती मुंडा तो मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ कीवर्ड लगाए, मुंडा देहाती, देहाती मुंडा, मतलब इस तरह के आपने कीवर्ड लगाने। मीन कि जब भी वो आपके चैनल को सर्च करेगा जिस नाम से करता है तो आपका जो चैनल है वो इस तरह सर्च में आ जाएगा। यानी मुंडा देहाती मुंडा, मुंडा लिख देते हैं तो इस तरह आपका जो चैनल है वो सर्च में आ जाएगा और यहाँ से फिर आपने इसको सेव कर देना है। ये दो चीज़ें हो गई। इसके बाद आपने करना क्या है, इसके बाद आपने अपनी वीडियोस में आना है। यहाँ पे जो भी आप वीडियो डालेंगे आपने हर वीडियो पे जो है अपने चैनल का जो नाम है वो ज़रूर डालना है। अब यहाँ पे हम वीडियो पे जाते हैं, अब यहाँ पे आने के बाद आपने अपनी जो भी वीडियो है आपने नई डाली है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आपने क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह आ जाएगा पेंसिल का निशान, ये वाला। तो इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो वीडियो है वो एडिट मोड में आ जाएगी। मीन्स कि उसको आप एडिट कर रहे हैं, उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसकी टैग वगैरह जो भी हैं वो आप उसको एडिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने जो है जब इसका टाइटल लगाना है तो यहाँ पे आपने ये पाइप लगा के दो, यहाँ पे आपने चैनल का नाम डालना है। इसके बाद आपने जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन है इसमें भी आपने अपना जो चैनल का नाम है वो ज़रूर डालना है। और तीसरी चीज़ है टैग्स, ये टैग्स, यहाँ पे टैग्स में भी आपने जो भी जिस वीडियो के जो जो टैग्स हैं उनमें भी आपने अपने जो चैनल का नाम है वो आपने यहाँ पे डालना है। तो दोस्तों, यहाँ पे चैनल का नाम डालने के बाद आपने इसको सेव कर देना है यहाँ पे। तो इसके बाद वीडियो सेव हो जाएगी। इसके बाद जो भी आप जो चैनल है सर्च करेगा तो आपका चैनल ईजिली जो है वो सर्च में आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना।